नमस्कार। भारतीय वेद विज्ञान परिषद में आपका स्वागत है। और आज का विषय है वास्तु। तो वास्तु कोई विषय तो है ही नहीं, अपने आप में इतना लंबा विषय है कि इस पर पूरी क्लासेस चलती हैं। लंबा चौड़ा और बहुत ही गहरा विषय है, लेकिन कुछ भ्रांतियां इसको लेके हैं जो मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया था इसके ऊपर, लेकिन एक दूसरा वीडियो है, दूसरी चीज के ऊपर है। जो एक क्वेश्चन बार बार मुझसे पूछा जाता है वो ये कि क्या ये डायरेक्शन हमारे लिए सही है, क्या ये डायरेक्शन खराब है। तो उसके ऊपर ये क्लैरिटी लाने के लिए मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाया जाए। देखिए, वास्तव में जो डायरेक्शंस होते हैं, जो डायरेक्शंस लोग समझते हैं कि मैग्नेटिक होते हैं और वो यूज करते हैं, वो वास्तव में यूज ही नहीं होते। वास्तव में दिक्शोधन एक प्रॉपर चैप्टर है जो लिखा गया है, क्योंकि मैग्नेटिक डायरेक्शंस की कोई वैल्यू नहीं होती है। तो वास्तव में पहली प्रॉब्लम तो यही है कि लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं, मेरे घर तो ईस्ट फेसिंग, हाउ डू यू नो ईस्ट फेसिंग है, आपको कैसे पता, क्या आपने मैग्नेटिक कंपास का यूज किया था। तो वो चीज काम नहीं करती है वास्तु में। तो ये पहली गलती है वास्तु के अंदर, जहां आप ये सोचते हैं कि ये घर ईस्ट फेसिंग है, आप खुद अपना दिमाग लगाएंगे, कुछ नहीं पता लगेगा। सो दिस इज योर फर्स्ट मिस्टेक। सेकंड इज कि क्या कोई डायरेक्शन बुरा होता है। जनरली लोग मुझसे पूछते हैं, हम तो साउथ फेसिंग घर में रहते हैं, हमारे बुरा हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं होता। कोई भी डायरेक्शन बुरा नहीं होता है। डायरेक्शन जो होते हैं उसमें चार कार्डिनल और चार ऑर्डिनल डायरेक्शन होते हैं। कार्डिनल डायरेक्शन होते हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और जो ऑर्डिनल डायरेक्शन होते हैं वो साउथ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट ऐसे होते हैं, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट। तो ये चार डायरेक्शंस ऑर्डिनल और चार कार्डिनल होते हैं। और ये जो डायरेक्शंस होते हैं, इसमें से ज्यादातर घर जो होते हैं, कोशिश करनी चाहिए कि वो कार्डिनल डायरेक्शंस में हो। और कार्डिनल डायरेक्शंस में होने के बाद अगर आप ये मानते हैं कि कोई डायरेक्शन आपके लिए बुरा है, तो वो अपने आप में गलत धारणा है कि वास्तव में कोई भी डायरेक्शन जो होता है उससे ज्यादा इम्पोर्टेंस इस चीज की होती है कि वहां उस क्षेत्र की टोपोग्राफी क्या है, वो होता क्या है, वो समझाता हूं आपको। देखिए, वास्तु का जो डायरेक्शन है वो वर्ण बेस्ड है। वर्ण का मतलब जाति नहीं है, ये भी बता दूं आपको कि वर्ण का मतलब ये नहीं है कि ब्राह्मण क्षत्रिय जो हम वर्ण समझते हैं ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, वो वर्ण की बात नहीं हो रही है। वर्ण का अर्थ असल में आपके कर्म से है। अगर आप कोई ऐसा कर्म करते हैं जो शूद्रक है, तो वो शूद्र ही रहेगा, वो वर्ण असल में क्षत्रिय नहीं हो जाएगा। और आज के जमाने में मिक्स वर्ण है, यानी कि संकर वर्ण है, प्योर वर्ण बहुत कम है। अगर मैं बोलूं प्योर ब्राह्मण है, इट्स अ रेयर थिंग। अगर मैं बोलूं प्योर क्षत्रिय है, तो इट्स अ रेयर थिंग, बिकॉज इज डूइंग समथिंग, क्योंकि जॉब कर रहा है, कोई काम कर रहा है, तो काम करने से उसका जो वर्ण है, एक्चुअल में जो हम समझते हैं ना कि व्यक्ति बहुत, इस लोगों को बोलते हैं कि सब जन्म से वर्ण होता है, वो कहानी गलत है। वर्ण असल में आपके कर्मों पर निर्भर होता है, और आपकी वास्तु भी आपके इन्हीं वर्णों के ऊपर निर्भर होती है। तो जब हम वर्ण की बात करते हैं, तो वहीं से डिसाइड हो जाता है कि कौन सा वर्ण किस डायरेक्शन में रहेगा। तो डायरेक्शन खराब नहीं हो सकते। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका वर्ण एक पर्टिकुलर वर्ण है, जैसे सपोज आप ब्राह्मण वर्ण के हैं और दक्षिण दिशा की तरफ आपका मुख है, तो आपको बहुत नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि वो आपका डायरेक्शन नहीं है। आप वर्ण संकर स्थान पर रह रहे हैं, तो आपको बुरा असर दिखाई दे वास्तु। तो ये जो वर्ण है, ये बहुत सारे तरीके से तय होता है। जैसे इसमें टोपोग्राफिकल इनपुट ज्यादा है, जैसे वेजिटेशन, कि वहां पर वृक्ष कैसे हैं, वहां पर उपवन कैसा है, वहां पर मिट्टी किस कलर की है, गंध किस प्रकार की है, इसके लक्षण हैं अलग अलग, शास्त्रों में बताए गए हैं स्थापत्य के अंदर। तो वो लक्षण आपको पता होने चाहिए। वो लक्षण निर्धारित करते हैं कि इस भूमि का वर्ण वो है। और क्या होता है कि एक स्टेट में, एक बड़ी जगह पर दूसरे वर्ण यानी संकर वर्ण की भूमि भी हो सकती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल राजस्थान, ये वैश्य वर्ण है, लेकिन इस वैश्य वर्ण की भूमि के अंदर आपको कई क्षेत्र ऐसे मिलेंगे जहां पर ब्राह्मण वर्ण होगा, कई जगह शूद्र वर्ण होगा, कई जगह क्षत्रिय वर्ण होगा। तो वो वर्ण जो है वो छोटे सीमित दायरे में भी हो सकता है, बड़े दायरे में भी हो सकता है। और यही कारण है कि कुछ जगह कुछ लोग ज्यादा पनपते हैं। जैसे हम कहते हैं कि साहब राजस्थान में जो बनिया जाति है, जिसे हम वैश्य बोलते हैं, वो बहुत पनपती है। वो इसलिए क्योंकि वो वर्णियों का वो वर्ण जो क्षेत्र है बड़े लेवल पर, अगर हम देखें तो वहां पर उस वर्ण या उस एरिया के अंदर उस जगह की लक्षण मौजूद हैं जो उनके लिए ज्यादा अच्छे हैं, ठीक है। तो कोई भी डायरेक्शन जो है, डायरेक्शन, गंध, उस जगह की वेजिटेशन, उस जगह का सारी चीजें जो है टोपोग्राफी के अंदर जितनी भी चीजें आती हैं, वो निर्धारित करती हैं कि उस जगह का वर्ण क्या होगा और वहां रहने वाले व्यक्ति को किस वर्ण का होना चाहिए। तो अगर आप किसी और वर्ण के व्यक्ति हैं और उस जगह रह रहे हैं, तो आपके ऊपर उसका बुरा असर होगा, ठीक है। तो डायरेक्शन तो खराब नहीं हुए। दूसरी बात, जो एक बहुत गलत धारणा है कि हमारा किचन यहाँ है, हमारा टॉयलेट वहां है, हमारा
बेडरूम वहां है, इसकी कोई वैल्यू नहीं वास्तु में। आपको बता दूं कि ज्यादातर वास्तु की बुक्स में ये मेंशन ही नहीं है। एक्चुअली ये जो विषय है इतना छोटा है वास्तु की बुक्स में कि कुछ जगह तो ये मेंशन नहीं है कुछ ग्रंथों में, और कुछ जगह इसको बिल्कुल छोटा सा स्थान दिया गया, मतलब आखिरी स्थान में इसको मेंशन किया गया कि हाँ ये एंसिलरी स्ट्रक्चर्स में आता है, उसको यहाँ पर पढ़ लीजिए, इतनी इतनी चीजें होती है। ये वास्तु होती नहीं है, ये बिल्कुल बेवकूफी वाली चीज है जो आजकल चल रही है। सबसे कॉमन जो आप देखेंगे ट्रेंड वो यही है कि आपकी किचन गलत जगह है, नॉर्थ ईस्ट की जगह अपने किचन, सॉरी साउथ ईस्ट की जगह, जनरली साउथ ईस्ट बोला जाता है, साउथ ईस्ट की जगह अपनी किचन नॉर्थ ईस्ट में ना दी, आपका तो ये हो गया, ये वास्तु है ही नहीं, वास्तु में ये काम ही नहीं करता है। फिर ऊंचा नीचा भारी ये सब भी वास्तु में काम नहीं करता, सब बकवास है, कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ, किसी ग्रंथ में नहीं लिखा ये जगह नीचे होनी चाहिए, ये जगह ऊंची होनी चाहिए, ऐसे वास्तु कहते हैं, ऐसा वास्तु में नहीं होता है, ये सब भी गलत है। तो ये सारी चीजें वास्तु के विषय में नहीं आती हैं, ये तो बिल्कुल लास्ट और बिल्कुल जिसको हम कहते हैं ना लोवेस्ट लेवल पॉइंट है जो वास्तु का, वहां पर आते हैं। जो एक्चुअल वास्तु है वो यहाँ से शुरू होती है कि वर्ण क्या है, इसको तय करने के लिए आपको ज्योतिष का गहरा अध्ययन करना पड़ता है, क्योंकि तो ज्योतिष के अध्ययन के बिना आप ये नहीं पता लगा पाएंगे कि उस जगह के अंदर बाधा किस चीज की है, या फिर आप ये नहीं पता लगा पाएंगे कि वर्ण कौन सा काम कर रहा है। आसानी से पता नहीं लगा सकते आप, तो उसमें लक्षण जरूर है लेकिन वो लक्षण हर जगह नहीं होते। जैसे कुछ जगह बिल्कुल वर्जिन भूमि होती है, जैसे वहां कोई वेजिटेशन नहीं है फॉर एग्जाम्पल, तो कोई ऐसी चीज नहीं है, तो आपको फिर वर्ण का पता नहीं लगे, गंध आप नहीं देख पाए, आप वहां नहीं गए, या आपने उस भूमि को हाथ से टच नहीं किया, कई चीजें होती हैं ऐसी। तो वो अगर आपको नहीं पता लगेगा तो आप वर्ण तय नहीं कर पाएंगे, वर्ण तय कर नहीं पाएंगे तो सारी कहानी खत्म है, फिर तो वास्तु बताने से कोई फायदा नहीं है। ज्योतिष में वो चीज बहुत सरल हो जाती है, इसलिए ज्योतिष का ज्ञान ज्ञान होना जरूरी होता है वास्तु में। जब आपको ये जब चीज पता होती है तब आप बहुत आसानी से वर्ण तय कर पाते हैं, जब आप वर्ण तय कर पाते हैं तो वो व्यक्ति वहां रहता है। अब जो लोग अक्सर पूछते हैं ये बताते समय कि सब हमारा जो, ऐसा भी तो हो सकता है कि एक ही ग्रह में दूसरे दूसरे वर्ण के लोगों, नहीं ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल में क्या होता है कि ज्यादातर वर्ण एक ही होता है एक ग्रह के अंदर, जब वर्ण में परिवर्तन आता है तो उस व्यक्ति की दशा बदल जाती है और वो उस जगह को छोड़ देता है, अक्सर ऐसा ही होता है वो छोड़ देता है, और अगर उसकी दशा खराब आ जाएगी तो वहीं रह जाएगा, वहां से जाएगा ही, फिर वो वर्ण से उसको जो नुकसान पहुंच रहा है उसी डायरेक्शन से उसको नुकसान पहुंचने लगेगा, तो या तो वो उस जगह को छोड़ेगा अगर अच्छी दशा होगी, नहीं तो वो वहीं रहेगा, वहीं रहेगा तो उसे प्रॉब्लम आएगी। तो वर्ण जो है वास्तु में सबसे इंपॉर्टेंट विषय, जो सबसे मिसलीडिंग जो वास्तु आजकल चल रही है उसकी जगह जो एक्चुअल वास्तु है वो नहीं चल रही है, आपको बता दूं। तो ये जो चीज है यही इंपॉर्टेंट होती है, डायरेक्शंस में कोई वैल्यू नहीं है कि आप ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में हैं, पहले तो ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप किस वर्ण के व्यक्ति हैं, फिर ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको इस डायरेक्शन में रहना है। और जब हम घर बनाते हैं तो उसका एक मैथमेटिकल डायग्राम होता है जिसको पूरी तरह से मैथमेटिक्स पे बेस्ड होता है, आपका घर आपके नक्षत्र जन्म नक्षत्र पे बेस्ड होता है, जो कि आजकल मेरे ख्याल से, मुझे नहीं लगता वास्तु शास्त्री यूज भी करते हैं जानते हैं उसके बारे में, तो वो नक्षत्र ही सारी चीजें तय करता है कि आपका जन्म नक्षत्र नहीं नाम नक्षत्र तय करता है कि आपके घर का क्षेत्र कैसा होगा, क्षेत्रफल कैसा होगा, उसे कैसा बनाया जाएगा, इवन आपका फर्नीचर कैसा होगा, आपके घर में हर चीज कहाँ कैसे बनेगी, ये वास्तु का सबसे गहरा विषय है जिसको सबसे ज्यादा इग्नोर किया जाता है, और सबसे ज्यादा यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें भी कोई शॉर्टकट नहीं है। आप सोचते हैं कि मैं तो, बहुत सारे लोग मुझे जो पूछते हैं जो मेजर क्वेश्चन होता है, मेरा घर तो स्पेसिंग है, इसमें ना ये चीज हो रही है, इसमें किचन यहाँ बनी है, इसमें ये चीज यहाँ बनी हुई है, तो मुझे प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम नहीं आ रही क्योंकि आपने डायरेक्शन गलत देखा है। उसके बाद आपको ये नहीं पता कि एंगुलर डेविएशन कितनी है, आपको साइंटिफिकली ये नहीं मालूम है कि मैप के ऊपर जब हम सुपर इम्पोज करेंगे डायरेक्शन को तो वो कहाँ जाएंगे, ये मालूम होना चाहिए आपको। तो वो आम आदमी का विषय नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसको आम आदमी के विषय की तरह दिखाया जाता है, इट्स अ प्रॉपर साइंस एक्चुअली इफ यू से सो। और इसी तरह एस्ट्रोलॉजी भी एक साइंस है, ये कोई आम आदमी का विषय नहीं है कि ग्रह यहाँ बैठा है तो ऐसे असर हो जाएगा, और या फिर वास्तु में जैसे कि ये किचन यहाँ होगी तो ऐसा असर हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, उसका कोई वैल्यू नहीं है वास्तु में। तभी तो जिन ऋषि मुनियों ने इस विज्ञान को लिखा, इस विज्ञान के बारे में इतने विषय, बहुत गहरा विषय है वास्तु, अगर आप पढ़ेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे, जो लिखा है बुक्स में और जो आज चल रहा है ना उसको देखकर आपको हंसी आने लगेगी कि ये वास्तु पढ़ा रहे हो, वास्तु समझा रहे हो लोगों को, ये तो वास्तु का विषय ही नहीं है। जहां मैंने देखा है लोगों को कि शायद आपका साउथ फेस ऊंचा कर लीजिए तो छत के ऊपर निर्माण कर देंगे, साउथ फेस ऊंचा हो गया, कोई चीज नहीं है ऐसी, कहीं पर भी मेंशन नहीं, ये ऊंचा नीचा जो एक्चुअल सिस्टम है उनको पता नहीं है कि वो कहाँ मेंशन है, वर्जिन भूमि को उसे अप्लाई कैसे करते हैं, जिसको हम एक्चुअली जो प्लव होता है उसे कैसे देखा जाता है। वास्तु में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है प्लव का पता लगाना, क्योंकि वो वर्ण तय करता है। प्लव पता लगाने के लिए आपको भूमि के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, आपको ज्योग्राफी आनी चाहिए,
आपको टोपोग्राफी के बारे में पता चाहिए, आपको एनवायरमेंटल साइंस के बारे में पता होना चाहिए, कुछ नहीं जानते। लेकिन मजाक चल रहा है, तो बाजार में जिसको हम वास्तु समझ रहे हैं उससे प्रभावित मत होइए। आपका डायरेक्शन की कोई वैल्यू नहीं है, आपकी कुंडली तय करती है कि आप किस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएंगे। तो अगर आप उसे सही करना चाहते हैं तो ये रिवर्स इंजीनियरिंग प्रोसेस है, जहां पर हम उल्टे तरीके से आपके भविष्य को बदलने के लिए वास्तु को ठीक करते हैं। और जब वास्तु को ठीक किया जाता है, कई बार नहीं किया जा सकता क्योंकि दृढ़ कर्म बाधा पैदा कर देते हैं, अदृढ़ कर्मों में हम उसे बदल सकते हैं। तो जब हम उसे बदलते हैं तब आपका भविष्य भी बदलने लगता है और आपके साथ चेंजेस आने लगते हैं। तो ये करने के लिए आपको 15 से 20 दिन चाहिए। ऐसा नहीं होता है कि कोई व्यक्ति आया जिसको ज्योतिष ABCD नहीं आती है, वहां आया और उसने कंपस ली, घर देखा और बता दिया, हाँ सर ऐसा करो, किचन यहाँ बना लो, इसको ये कर दो, इसको ये कर दो, घर हो गया, वास्तु हो गया आपका। ये वास्तु नहीं होता है। वास्तु को स्टडी करने के लिए आपको उसकी टोपोग्राफिकल कंडीशंस, उसका प्लव वगैरह सब कुछ स्टडी करना पड़ेगा, जिसको करने के लिए आपको 15 से 20 दिन चाहिए। इतनी जल्दी ये काम हो नहीं सकता है। तो इसको लेकर जो हाथियां हैं वो बहुत सारी हैं, इसको लेकर जो एक्चुअल विज्ञान है वो है ही नहीं, वो जानते ही नहीं है लोग। बाजार में ना तो मेंशन है, ना ही लोग उसको मेंशन करना चाहते हैं, ना ही पढ़ना चाहते हैं। शॉर्टकट साइंस चल रही है तो शॉर्टकट लोग भी हैं, शॉर्टकट उपाय भी हैं और शॉर्टकट को मानने वाले लोग भी हैं। वो चीजें चल रही हैं लेकिन उसका कोई वैल्यू नहीं है। वास्तु में इन चीजों का वैल्यू है जो मैं आपको बता रहा था, जो कि पुरानी बुक्स में मेंशन है या ग्रंथों में मेंशन है, जो ऋषि मुनियों ने, जो उनके द्वारा लिखे गए शास्त्र हैं, वहां इसके बारे में बहुत ही गहरे रूप से समझाया गया है। इतना गहरा विषय है कि अगर मैं इस पे लेक्चर देने लगूं तो पूरे दिन गुजर सकते हैं, महीना गुजर सकता है, लेक्चर खत्म नहीं होगा। वास्तु इतना गहरा विषय होता है। तो आप ये भूल जाइए, ये भ्रांति भूल जाइए कि ये डायरेक्शन है तो ऐसा हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आपकी कुंडली में जब कोई ग्रह दशा खराब हो जाएगी आपकी वास्तु बिगड़ जाएगी, आप खुद ही बिगाड़ देंगे उसे। आप एक बात सोचिए कि जो अक्सर एग्जाम्पल मैं लोगों को देता हूँ वो रावण का एग्जाम्पल है। रावण की जब लंका जो बनाई गई थी, उनका निर्माण मयासुर ने किया था। मयासुर ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे और राक्षस थे, लेकिन वो बहुत अच्छे आर्किटेक्ट, कहना गलत नहीं होगा उनको। और ऐसे ही जो देवताओं के आर्किटेक्ट हैं वो अलग हैं, ये राक्षसों के आर्किटेक्ट थे मयासुर, और इन्होंने बेसिकली लंका का निर्माण किया था। तो ऑब्वियस है कि वो बहुत ही अच्छी तरह से वास्तु का ध्यान रख के बनाई गई होगी। तो आप ये सोचिए कि अगर ऐसा हुआ तो रावण की बुद्धि कैसे फिरी? इतना विद्वान व्यक्ति, इतना प्रकांड पंडित, भगवान शंकर का इतना कट्टर उपासक, लेकिन बुद्धि फिर गई, सीता मैया को उठा के ले गए वो। तो वो चीज अगर उनके साथ बुरा हुआ, और रावण का पूरा जला दिया हनुमान जी ने उन्हें एक बार, और फिर दोबारा से उसे नष्ट कर दिया गया। अब तो रावण लंका का बिल्कुल छोटे छोटे अंश मौजूद है सिर्फ। तो वो चीज आप समझिए कि वास्तु से एक्चुअली कुछ नहीं होगा, आपके कर्म ही सब कुछ बोलते हैं, और वो ज्योतिष में दिख जाता है कि इसकी वास्तु बिगड़ने वाली है। तो वो चीज इतना गहरा है कि इसको सरल तरीके से शॉर्टकट मारने का जो आजकल सिस्टम चल रहा है ना, वो इसमें नहीं होगा, काम नहीं करेगा। और इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है कि फला डायरेक्शन ऊंचा हो गया, ये नीचे हो गया, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। और जो ऑर्डिनल डायरेक्शंस की बात मैं कर रहा हूँ उसमें घर होते हैं, ज्यादातर आपको विधिक मिलेगा, उसे विधिक बोलते हैं असल में, और बेसिकली वो एक तरह की बाधा ही है, उसको मेंशन किया जाता है। इसमें वेद होते हैं अलग अलग, 64 से ज्यादा वेद हैं। तो वो वेद जो होते हैं वो समझने पड़ते हैं कि ये वेद इस जगह लगा होगा तो इसलिए ऐसा हो रहा है, उस वेद को हटाना पड़ता है वहां से, तब जाके आप वास्तव में एक किसी चीज का एक मतलब सही जो मार्गदर्शन है किसी का कर सकते हैं। इसमें कोई शॉर्टकट तो होगा नहीं। तो मैं सिर्फ मेन मुद्दा ये था कि ये विषय जो है ये, इसको ये समझना जरूरी है कि किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपको सही वास्तु का काम करना पड़ेगा तो उसमें समय लगेगा, शॉर्टकट होगा नहीं। तो आप ये मत सोचिएगा कि आपको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रह रहे हैं तो वो आपको खराब असर देगा, क्योंकि ऐसा कोई रूल नहीं है। ठीक है, तो ये चीज अगर आपके समझ में आ जाएगी तो आपको डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप वास्तु को सुधारना चाहते हैं सबसे पहले अपने कर्म सुधारिए, जो बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छे काम कीजिए, बुरा मत कीजिए किसी का। जब आपकी ग्रह दशा सुधरेगी वास्तु अपने आप सुधर जाएगी, आपको अच्छे वास्तु शास्त्र मिलेंगे, अच्छा काम होगा। धन्यवाद।